मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक ऑन वुल्फ ऑन स्ट्रीट। आज ये डे टू ऑफ केदारकांत ट्रेक। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ शोमिक और हम लोग अभी हैं जुरा के तालाब पे, जो कि है पहला बेस कैंप केदारकांत ट्रेक का। और हम लोग अभी अभी उठे हैं, टेंट के अंदर है, बाहर निकले नहीं है। रात भर कड़ाके की ठंड थी, जैसे जैसे नींद हुआ है और हम लोग अभी भी अंदर पड़े हुए हैं। ये शुभम मेरे साथ पड़ा हुआ है इधर, तो बाहर जाना है अभी, फ्रेश होके थोड़ा व्यूज़ लेना है और पैकिंग भी करनी है। आज डे टू है तो हम लोग को इधर से जाना है लुहासू बेस कैंप तक, जो 3 किलोमीटर है इधर से, तो उधर तक ट्रैक करना है अपने को। और ठंड ठंड तो बहुत होगी, शायद स्नोफॉल भी हो, देखते हैं क्या होना है। और आप तब तक एंजॉय कीजिए जुरा के तालाब का सिनेमैटिक्स। सो गाइस, ये है जुरा का तालाब। अभी इधर -4 -5 के आसपास का टेम्परेचर है और सभी अभी विटामिन डी ले रहे हैं। हेल्थ कार्ड चेकअप हो गया है। आज का ट्रैक कुछ 2 घंटे में चालू होने वाला है आफ्टर ब्रेकफास्ट। और ये देखिए जुरा का तालाब, दिस इज़ एट 10,100 फीट। और यहीं पे ट्रैक ऑफ इंडिया का कैंप है और ये अभी जम चुका है, पूरा कम्प्लीटली जम चुका है। हाँ, हम लोग का वेट शायद ना ले पाए बट जम चुका है। रुकिए, आपको डेमो दिखाते हैं। या ये स्नोबॉल और ये जाएगा, जस्ट इट जस्ट ब्रेक्स ऑन द सरफेस, अंदर नहीं आएगा, कम्प्लीटली जमा हुआ है। ये हाल ही में जमा है, 2 दिन पहले तक जुरा का तालाब वॉज नॉट फ्रोजन कम्प्लीटली, तो अपने परफेक्ट टाइम पे आए हैं। तो अभी यहीं पे शूट करना है कम्प्लीट और वीडियोस लेने हैं पूरा रोड का। आज तो मैं चेस्ट माउंट लगा देने वाला हूँ। GoPro में कल शूट नहीं कर पाया, मोबाइल में शूट करना पड़ा, बट आज आई विल बी लाइक ट्राइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द बैटरीज और कोशिश करूँगा अच्छे क्वालिटी का वीडियो बने आज, नहीं तो मोबाइल में वापस शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि DSLR तो शायद ही काम है। तो देखते रहिए सिनेमैटिक शॉट्स, एंजॉय करते रहिए और बर्फ़ का एंजॉय करते रहिए। यूहू, सो गाइज वी आर रेडी फॉर द डे टू। वी आर पैक्ड अप, थोड़ा वेट कम कर लिए, थोड़ा अनलोडिंग कर लिए, बट वी आर स्टिल पैक्ड अप। और अभी चल रहा है आज का 3 किलोमीटर वाला ट्रैक, जिसमें से 1.5 किलोमीटर विल बी वेरी स्टीप एंड 1.5 किलोमीटर विल बी फन। लुहासू बेस कैंप जाना है और लुहासू बेस कैंप से कल सुबह होने वाला है अपना समिट। सो अभी निकल रहे हैं और आप सिनेमैटिक्स का इंजॉय कीजिए तब तक। सी या गाइज। सो गाइस, वी हैव स्टार्टेड आज का ट्रैक जो लुहासू बेस कैंप तक है। और ये पहले का 1.5 किलोमीटर इज़ वेरी स्टीफ, आप देख सकते हैं इधर से आए हम लोग। वी हैव कम डाउन ऑल दी वे लॉन्ग फ्रॉम देयर और जस्ट लुक एट द व्यू, द स्नो कैप माउंटेन्स आर जस्ट कवरिंग अस। वी हैव टू गो दैट साइड, ऊपर जाने के बाद थोड़ा रास्ता अच्छा मिलेगा, इट वॉन्ट बी दैट स्टीफ, बट फिलहाल इट्स वेरी स्टीफ और चलने में पूरा एनर्जी निकल जा रहा है। तो देखते हैं कितना फोटोज ले सकते हैं, कितना वीडियोस आपके लिए ले सकते हैं। सिनेमैटिक्स आगे आ रहा है।
सो गाइस वी हैव डन लाइक टुडेस जर्नी ऑलमोस्ट हाफ एंड अभी ये ट्रेल फॉलो कर रहे हैं जबकि बाकी का ट्रेकर्स मोर कॉमनाइज ट्रेल से जा रहे हैं बट वी आर फॉलोइंग दिस रोड नॉट टेकन जहाँ पे बर्फ एटलीस्ट 2 फीट गहरा है। जूता का हालत देखिए, जूता पूरा भीग चुका है बर्फ में और धस जा रहा है हर बार। तो अभी यही ट्रेल फॉलो करते हुए अपने को आगे कैंटीन तक जाना है और उधर 5-7 मिनट रेस्ट लेंगे फिर आगे बढ़ना है। एंड हियर इज द रेस्ट ऑफ द टीम कमिंग फॉलोइंग। व्यूज आर ऑसम फ्रॉम हियर, वर्थ एवरी बक्स। सो गाइस आज का पहला हॉल टी स्टॉल तक पहुंच चुके हैं। इधर से और भी 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर जाना है और दैट इज दी केदारकंठ टॉप पीक समिट जो कल सुबह पहुंचेंगे। तो फिलहाल अभी इधर रेस्ट लेना है, धूप है, अच्छा सीनरी है, मस्त। अभी कुछ खाना पीना है फिर आगे बढ़ना है। जस्ट एंजॉय दी सीन टिल देन। अरे वाह खड़ा रे। एंड फाइनली क्रॉस दैट माउंटेन क्रॉसिंग, आगे कैंप दिख रहा है अपना। तो अभी भी ये ट्रेल से जाना है बर्फ भरा हुआ, फिर पहुंचेंगे कैंप साइट। कम से कम 1.5 से 2 फुट की बर्फ तो होगी इधर। एंड लुक एट दिस व्यू फ्रॉम द कैंप। इस साइड है केदारकंठ पिक जो सुबह 2 बजे समिट शुरू होगा। अभी नहीं, इट्स टाइम टू टेक रेस्ट। बट अभी का रास्ता इज ऑल्सो नॉट ईजी। लोहासू बेस कैंप पहुंच गए अपने। यू हू जस्ट चेक दी हाइट 11,252 feet 3,430 meters। ट्रेक अप इंडिया का बेस कैंप और ये अपना कैंप आज के लिए। टेंट्स आर रेडी। अभी तो दिख नहीं रहा इधर से केदारकंठ पीक, बट सुबह 2 बजे निकलने वाले हैं हम लोग और अभी बहुत गर्मी है। लाइक एक फुल स्लीव टी शर्ट इज इनफ और सही लग रहा है वेदर, मज़ा आता, सही आ रहा है। अभी टाइम है शूट करने का, देखते हैं क्या फोटोज आते हैं, क्या वीडियोज आते हैं, क्या रील्स आएंगी, सब अपलोड होगा, पता ही है कहाँ पे देखना है आपको। ऐसे करके चलना 2 कदम बस और फिर वापस जाना पीछे ऐसे करके। ऐसे मतलब एक जगह भी नाचते लोग जैसे फेस्टिवल होते हैं हमारे लोकल कल्चर के, सिंगर आते हैं हमारे लोकल, तो ऐसे जैसे बॉयज है गर्ल्स हम जैसे लोग, तो ऐसे जो अपनी जगह वो अपनी हिसाब से नाचता है बिना क्योंकि टोन समझ में आ जाता है म्यूजिक और आपका बोल समझ में आ जाता है जो आप गा रहे हो, तो आप अपना हिसाब से इंजॉय कर सकते हो चीज़ें।
तो आप अपने हिसाब से भी नाच सकते हो किसी गाने में। अरे सर आप गाना लगा दो कुछ ना कुछ स्पीकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। गाना लगा लो, लगा दो, डांस करके लगा दो, ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ आ ही जाएगा ना। नॉन नागिन डांस करी आपको बोल ना बोल ना हां ते संगीतले लावला बोल ओडिया भांगडा भारत सब चालियो नागिन डांस को बोल हीरा बोल बहुत बढ़िया गाना है वो अगर लगाए ना उसने सब नाचेंगे। सो गाइस अभी शाम के 5 बज रहे हैं और ये यहाँ पे सनसेट हो रही है और साथ ही लोहासू बेस कैंप झूम उठा है नाच में। हम लोग सब नाच रहे हैं और साथ ही उत्तराखंड की जो स्पेशल रीति रिवाज है उसको भी सीख रहे अपने गाइड भाई से। उन्होंने हमें रोसा रिचुअल के बारे में बताया। सब नाच रहे हैं, अभी बिजी है। इनके साथ इधर पीछे में सनसेट भी हो रहा है पहाड़ों पे, सामने हिमालयों के पहाड़ों पे। गाने में बोल भी नहीं पा रहा हूँ। एवरीवन इज फकिंग एक्साइटेड। कल रात 2 बजे समिट है तो सबको एक्साइटेड है। और अभी सनसेट देखते हुए हम लोग नाच रहे हैं। इसके बाद खाने पीने के बाद सोना ही है। तो दिस विल बी द परफेक्ट टाइम आज का व्लॉग एंड करने का। रेस्ट लेना है, फिर कल आपको दिखाना है एक्चुअल समिट। तो मैं यहाँ पे व्लॉग एंड कर रहा हूँ डे 2 का। आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। आगे मिलते हैं कल। टिल देन सिया।